बड़ौदा उपचुनाव की वोटिंग की डेट जो लगातार नजदीक आ रही है, राजनीति में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कल अचानक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व विधायक परमेंद्र सिंह ढूल से मुलाकात करते हैं रात को। क्या कुछ उस मुलाकात के मायने रहे हैं? क्या परमेंद्र सिंह ढूल जो है विधायक पूर्व विधायक जुलाना से है, क्या वो कांग्रेस के अंदर जाएंगे जिन्होंने अभी कुछ ही हाल ही में बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया था? सर, जब आपकी मुलाकात हुई है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, क्या माने कि आप कांग्रेस के अंदर पूरी तरह से कांग्रेस में हो गए? मैंने अभी आपको बताया था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मेरी मुलाकात हुई, कल आए थे, चर्चा हुई है, राजनीतिक चर्चा भी हुई है, परिवार की चर्चा भी हुई है, सामाजिक चर्चा भी हुई है, और चर्चा के बाद जब तो फैसला लिया है कि आज हम कांग्रेस को अपना समर्थन देने के लिए पूरे दल बल के साथ आज से ही बड़ौदा में जुटेंगे। जी बिल्कुल जी, वहाँ पे दल बदल क्या मानेंगे, कितनी मजबूती से आप जो वहाँ कांग्रेस के लिए जो वोट मांगेंगे, और जो वहाँ पे इंदुराज जी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो बीजेपी से फाइट कर पाएंगे या एक तरफ जीत पाएंगे, कि अगर क्या मानते हैं? नहीं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा और जीत निश्चित कांग्रेस की होगी। अब सुनने में आ रहा है कि जिस प्रकार से बीजेपी के जो नेता आरोप लगा रहे हैं कि आपने बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया है, पहले उसमें आपने आस्था जताई थी, उन्होंने कहा है कि परमेंद्र सिंह ढूल जो है वो दल बदलू है, दल बदलते रहते हैं, तब से राजनीति में आए तब से दल लगातार बदल रहे हैं, क्या कहेंगे सिंह बार? किसान परिवार में जन्मा हूँ, किसान परिवार के हित के लिए कोई भी त्याग करना पड़े वो छोटा होता है, दल बदलने क्या चीज़ है? किसान परिवार के लिए, किसान की बहबूदी के लिए, कमेरे की बहबूदी के लिए, गरीब आदमी के लिए, रक्षा के लिए अगर कोई भी कदम उठाना पड़े उसको उठाएंगे, आगे भी उठाएंगे, इसमें समस्या नहीं है। मैं तो आदर्श मानता हूँ जननायक चौधरी देवीलाल जी को, जिन्होंने किसान के मुद्दे पर सत्ता को त्याग करके 16 बार दल बदला था। आखिर में किसान के लिए, किसान के नेता के रूप में जाने जाते हैं, मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारा एक मतलब लक्ष्य है किसान, कमेरा, गरीब आदमी, उसको बचाने के लिए जो भी काम करना पड़े हर संभव प्रयास करेंगे। सर, जिस प्रकार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश जी, उन्होंने कहा था कि परमेंद्र सिंह ढूल बीजेपी में इसलिए आए थे, उनको दिखाई दे रहा था कि 75+ का नारा जो है उनको लुभावना जो दे करके बीजेपी में ले आया था, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया? ना तो मैं धनखड़ जी कहने पर गया, ना मेरे हल्के के लोगों ने मेरे प्रेरित किया था कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाओ, और भारतीय जनता पार्टी ने खुला निमंत्रण दोनों हाथों से दिया था, मेरी जनता ने राय दी थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी जाऊं, इसलिए मैं गया था। बीजेपी में काफी समय तक आप रहे हैं, अचानक बीजेपी पार्टी आपने छोड़ दी, ऐसे कौन कौन सी जो चीजें हैं? एकमात्र कारण मैं कई बार बता चुका हूँ, एकमात्र कारण तीनों कृषि कानून हैं जो आज के कमेरे वर्ग को बर्बाद करने वाले हैं, किसान को बर्बाद करने वाले हैं, सारी व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथों में जाने वाली है, काला बाजारी को संवैधानिक रूप दे दिया गया है, आज किसान और कमेरे को उजाड़ने का काम किया, इसके विरोध में गया हूँ मैं। जिस प्रकार से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में काफ़ी फूट देखने को मिल रही है, क्योंकि दीपेंद्र जिस प्रकार से शैलजा गुट अलग से दिखाई दे रहा है, पहले भी गुटबाजी होती थी, भूपेंद्र सिंह गुट्टा जो गुट अलग से है, जो रणदीप सुरजेवाला गुट अलग से है, तो इसमें किस प्रकार से तालमेल? मैं लंबे समय तक जींद में कांग्रेस का प्रधान रहा हूँ, और कांग्रेस में ही मेरा जीवन शुरू हुआ था, पहले NICUI से 1991 में कांग्रेस टिकट पे चुनाव लड़ चुका हूँ, मुझे पता है ये मीडिया की उपज है, कोई गुटबाजी कहीं नहीं, कांग्रेस एक है, एक नेता है, एक पार्टी है। हाल ही में जुलाना से आपने भी चुनाव लड़ा था, और उधर से JJP के जो विधायक अभी हैं उसमें अमरजीत ढांडा, अभी फिलहाल जो काम चल रहा है जुलाना को लेकर के, क्या कहते हैं कि काम हो रहा है? जुलाना हल्के विकास के लिए फिर कभी मिलेंगे, आज तो केवल यही मुद्दा है जो चुनाव प्रचार के लिए अब आपसे ही निकल रहे हैं अभी से। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक परमेंद्र सिंह ढूल, जो है आज से ही बड़ौदा उपचुनाव के अंदर जाएंगे, और वहाँ से जो कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार में पूरी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और साथ में जहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, जहाँ पे भूपेंद्र सिंह होंगे, उनके साथ में जो है चुनाव प्रचार करेंगे। जिनसे पंजाब केसरी TV के लिए अनिल कुमार।